बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलते हैं हम बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो गन्ने की फसल है वो जो है ना बीमारी की वजह से जो है ना बहुत मतलब कि बीमारी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है हमारी फसल का। तो आज जो है ना हम उसको स्प्रे करने आए हैं। चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि जो है ना शायद जो है ना ठीक हो जाए। तो दोस्तों हमने टैंकी फुल कर ली है, इसमें हमने जो है ना लैम्डा और क्लोरोपेरीफास और बाईफेंथ्रिन मतलब कि तीन जो है ना दवाएँ डाली हैं 200 cc एक की, ठीक है ना, मतलब कि 600 cc की जो है ना हमने टैंकी एक तैयार कर ली है। अभी जो है ना हम इसके अंदर जाएंगे और जो है ना इसको जो है ना हम स्प्रे करेंगे और आपको भी साथ ही लेकर चलते हैं। तो लड़के ने टैंकी उठा ली है, अभी हम इसके अंदर चलते हैं। एक तो मतलब कि स्प्रे करना आजकल मतलब कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों के सामने फसल बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल अंदर नहीं जाने देते, मतलब कि इतनी तैयार हो चुकी है और गिर चुकी है। तो अभी मतलब हम अगर अंदर जाएं भी गए तो हमारे जो गन्ने हैं वो टूटेंगे, हमारा नुकसान तो होगा, लेकिन देखते हैं फिर दवाई किसी भी दी क्या होता है। जी दोस्तों हम जा रहे हैं अंदर, आप लोगों को भी साथ ही लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। ये देख रहे हैं आप जो है ना, ये जो ये ठीक है बिल्कुल, ये ग्रीन जो पौधे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। आगे आप आएंगे वो येलो होंगे जिस पे हम लोग स्प्रे करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। बस दुआ कीजिएगा कि इस बीमारी से जो है ना हमें छुटकारा मिल जाए। ये देख सकते हैं कि अभी हमने स्टार्ट कर दिया है करनी, पॉसिबल तो नहीं है सारे को करना, लेकिन जिस मतलब के जिस पे लगी हुई है जिन पौधों पे, चलो कुछ ना कुछ को तो हम कर ही देते हैं। जी आप देख रहे हैं बिल्कुल राइट हो रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा अल्लाह हाफिज़।